सो गाइस आप जो मेरे पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है ये मतलब सोचिए, सोचने वाली बात है कितनी अच्छी चीज हो रही है। ये जानवरों के लिए एम्बुलेंस लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट। ये गिर गाय, ये साहिवाल, ये हरियाणा और ये मुर्रा भैंस। वाह कितना प्यारा लग रहा है ना। सो गाइस सैंपल पे सैंपल तैयार हो रहा है और देखिए कितना ढेर सारा सैंपल तैयार हो गया है और हम लोग अपना सैंपल लेके चल रहे हैं एक जगह प्रदर्शनी में। और वहाँ पर तिवारी पहले से पहुँचे हुए हैं और वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पशु आहार के लिए। तो देखते हैं, वो डेयरी का कुछ प्रदर्शनी है, गाय वाय वगैरह होंगी हो सकता है। तो चलते हैं, अभी इसको पैक कर लें फिर लेके चलते हैं। सैंपल को सारा सब रख देते हैं इस झोले में और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपने उस प्रदर्शनी में और चल के दिखाते हैं वहाँ हो क्या रहा है। हमने हमारे गाड़ी में सैंपल रख लिया है और दो बोरी ये अभी डेयरी स्पेशल भी आ रहा है, मतलब हमारी दो वैरायटी है कंपनी की, तो वो दोनों चीज़ आ जाए, दोनों प्रोडक्ट आ जाए, उसको लेके चलते हैं। और फाइनल थक गए यार करते करते। यार सुबह से इसकी यही प्रिपरेशन ही चल रही है कि भाई प्रदर्शनी लगी हुई है वहाँ पर, चलो दिखाओ वहाँ पर के मतलब लोग आएंगे गाँव से जो पशु आहार वगैरह या जानवरों से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड लोग आएंगे वहाँ पर, तो वहीं पर हम लोग चल रहे हैं इसको शोकेस करने कंपनी को। सो गाइस सैंपल वैंपल सब हमने रख लिया, सारा पूरा बराबर एकदम पूरा रेड वाला ऑरेंज वाला सब हो गया है। और चलते हैं अब जल्दी से, और रोशन भैया भी साथ चल रहे हैं हमारे, और वहाँ तिवारी इंतज़ार कर ही रहे होंगे, तिवारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई तिवारी कह रहे थे सबसे आगे हम खड़े होकर के भैया गोग्रास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं देखते हैं भाई कैसा माहौल है वहाँ का। चल रहे हैं हम लोग, आ गए हैं हाईवे पे और हाईवे पे देखिए चल रहे हैं। ये देखिए गन्ना जा रहा है और इतने समय गन्ने का सीज़न है ना, तो अब ये चीनी मिल वगैरह जा रहा है, इससे चीनी बनेगी। अब देखिए कौन से गांव में, कौन से बाग में, बगीचे में हो रहा है वो, बिकॉज़ वो थोड़ा सा ये पशु आहार गाय और डेयरी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा रूरल एरिया वाला है, तो हमें लगता है कि विलेज साइड में ही हो रहा होगा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए गाड़ी जा रही है, ट्रक, अभी देखिएगा क्या हुआ इसमें। और ये इतनी छोटी सी गाड़ी लेके जा रही है इसको। खोजते खोजते हम लोग सही में पहुंच गए उस जगह पे, तो ये है पंडित दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविर / मेला। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ये मैं तो बताया ही था पहले से ही कि गांव वाले एरिया में हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज वो कैटल से रिलेटेड है, तो रास्ता भी वैसा ही है एकदम उबड़ खाबड़ टाइप का। वैसे गेहूं देखिए निकली हुई है इतनी जबरदस्त, खराब तो नहीं हुई, बारिश तो बहुत जबरदस्त हुई थी। सो गाइस, और तिवारी कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट क्लास हमारा यहाँ पर स्टॉल लग गया है और वाह बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, वाह प्यारा लग रहा है। ठीक है, कितने लोग आए आपके पास? कई लोग आए। आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आवाज बहुत तेज आ रही है, तो मैं ऐसे वीडियो में दिखाऊंगा फिर वॉइस ओवर करूंगा, ठीक है? बाकी देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये तो एक साइड है, नीचे आवाज चल रही है मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो मन की बात कर रहे हैं तो पीछे चल रहा है, तो मैं इधर चलता हूँ जानवरों के पास जहाँ मुझे ज्यादा मन मिलेगा। इतना अच्छा मौसम, तो गाइस इतना मस्त मौसम है यहाँ, इतना अच्छा लग रहा है, वहाँ से ज्यादा तो यहाँ अच्छा लग रहा है आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि इस बगीचे में भले से इतने ढेर सारे जानवर हैं और जानवरों का ही उत्सव टाइप का हो रहा है, मेला टाइप का, लेकिन वहाँ ज्यादा से ज्यादा यही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चली है कि नहीं? हाँ, बहुत धूप हो रही थी, आम का बगीचा शुद्ध हवा, और देखे कितने सारे भैंस, इतने ढेर सारे जानवर हैं यहाँ पर, ढेर सारे भैंस हैं और सब दूध देने वाले हैं। गाइस दीज आर नॉट एनी अदर टाइप ऑफ कैटल्स, दीज आर मिल्क गिविंग कैटल्स, बफेलोज बेसिकली। तो यहाँ तो फिलहाल हमको ठंडी हवा मिल रही है, इस वजह से हम यहाँ चले आए हैं। कितने जानवर हैं, कितने तरह तरह के, भगवान गिन भी नहीं सकता, मुझे लगता है कि 100 से तो ज्यादा ही होंगे, हाँ कम से कम 100 होंगे। और क्या, आम भी फरे हुए हैं गाइस इसमें, ये देखिए
छोटे 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 छोटे, मेरा मन कर रहा है तोड़ के खाने का छोटा सा ही उसको, देखते हैं कहीं पर हाथ अगर पहुंचे तो। तोड़िए जरा रोशन भैया, देखते हैं और आगे चले, देखते हैं आपको दिखाते हैं गाइस। चल के इन लोगों का आवाज भी आ रही है, मो मो। अब हम लोग यहाँ पर आए तो और क्या आवाज आएगी। वाह भाई वाह। और ये भैया मेरे लिए आम तोड़ रहे हैं, कच्चा वाला आम खा के देखते हैं कैसा लगता है। लाइए अपने हाथ से ही तोड़ते हैं। अभी तो ये बहुत छोटा है, एकदम बेबी बेबी आम है, लेकिन अब इसको खा के देखें। वाव, काम भर का खट्टा तो हो गया, अच्छा लग रहा है। ये जो मोमो हो रहा है, जो जानवर मोमो कर रहे हैं ना, वो मोमो नहीं कर रहे, नहीं बच्चे के लिए नहीं कर रहे, ये अभी कर रही है, फिर वो कर रही है, फिर वहां भी कर रही थी। ये गाइस पता क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है, ये तीनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउज, मोमो करना। मैंने नेट पे खोजा था, पढ़ा था, तो मुझे पता चला था। यहाँ से तो लग रहा है कि आज इस बार वाले सीजन में खूब ढेर सारा आम होने वाला है इसमें, अगर इसकी सुरक्षा की जाए। आम के साथ आंधी भी आएगी। मेरा मन कर रहा है एक और आम तोड़ के खाऊं। एक से वाओ। अभी ये बेबी आम ही खाएंगे गाइस, देखिए कितना छोटा सा है, दांत खट्टा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉलिसी पर भी काम हो रहा है इस दिशा में, अंधेरे भी So guys, आप जो मेरे पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है, ये मतलब सोचिए, सोचने वाली बात है कितनी अच्छी चीज हो रही है। ये जानवरों के लिए एम्बुलेंस लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, तो इससे ये होगा कि जो जानवर घायल होंगे या फिर जिनको जो बीमार होंगे उनके लिए एम्बुलेंस कॉल करके आप बुलाओगे और वो शायद मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा और आपके जानवर को हॉस्पिटल पहुँचाएगा। वाह, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1962, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने जानवरों को अस्पताल तक की सुविधा दिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे जानवरों के बारे में बताया गया है, स्टैचू की तरह। यह गिर गाय, यह साहिवाल, यह हरियाणा और यह मुर्रा भैंस। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना। स्टॉल पे आ गए हैं और यहाँ पर लेते हैं कुछ भाई दूध पीते हैं, बिकॉज यहाँ मिल्क से ही वाला सारा आइटम मिल रहा है, तो पीते हैं इसको, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना यार, टहल टहल के परेशान हो गए हूँ। और छाछ है, छाछ छाछ चलिए वही दे दिए फिर। और गाइस हमने हमारी टीम के लिए छाछ खरीद लिया और चलते हैं दे देते हैं, यही कहीं होंगे सब लोग। इसको ऐसे ही पी लेना है बस, ऐसे ऐसे मुंह से तोड़ा और बस। वाओ, हो गया गाइज हमारा सारा आज का इवेंट हो गया, ये आपने देखा ही होगा, बहुत तेजी से आवाज आ रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, हो सकता है आपको सुनाई दिया हो। बाकी जो चीजें हुई यहाँ पर मेन मेन आपको दिखाया मैंने, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ जाना होगा आपने, जैसे मैंने भी जाना, मेरा भी फर्स्ट टाइम था ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, आकर के यहाँ पर एक्सपीरियंस करने का रूरल एरिया में। तो बस सभी लोगों को बाय करते हैं, बाय बाय, और चलते हैं अब हम लोग अपने घर। भाई आ गए घर हम, अपना सारा प्रचार प्रसार और व्यापार का सारा काम करके घर आ गए हैं। अब खाना वाना खाते हैं यार, खाना भी नहीं खाया, यहाँ सुबह खाली पेट ही चले गए थे। मम्मी आज मैं गया भाई वहाँ पर, बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ, और प्रचार प्रसार और सारा चीज करके आ गए अपना कंपनी का पशु आहार वगैरह का, वहाँ पर स्टॉल लगा था और सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा लगा देख करके। अच्छा। पूरा बहुत ही अच्छा, गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया था फंक्शन टाइप का, वो तो सभी लोगों ने देखा, तो मम्मी को भी बता रहा हूँ गाइस। हाँ और क्या, जानवर थे इतने ढेर सारे वहाँ, जानवर आए थे। हाँ, कुछ प्राइज मिला नहीं, प्राइज टाइप का नहीं था, कॉम्पिटिशन नहीं था, वो एक शोकेस चल रहा था कि आप अपनी प्रोडक्ट आओ दिखाओ, लोग जानेंगे तभी तो खरीदेंगे, तो उस टाइप का कुछ एक शो चल रहा था गाइस। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट दिखाना था। हाँ वही वही समझ लीजिए। हाँ दिखाए वहाँ पर, अभी भी तिवारी जी है, दिखा ही रहे होंगे, हम चले आए। कौन था वहाँ पे, वहाँ पर विशिष्ट अतिथि थे भाई, जो यहाँ के जो
पॉलिटिकल लोग होते हैं। अच्छा, वही लोग। हाँ, एमपी एमएलएज यही सारे लोग थे। नहीं, वहाँ लोग फ्री में लेने जाने वाले ज्यादा लोग आ रहे थे यार, तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, फायदे वाले लोग कम ही आ रहे थे। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे भैया फ्री सर्विस है, भैया मुफ्त में ले लें, भैया फ्री में ले लें। हम कहे यार बहुत टफ है कोई सामान बेचना। सो गाइस, हमारा खाना आ गया हमारे हाथ में। और भाई देखिए भाई, चूंकि नवरात्रि चल रही है ना, तो मम्मी अपने लिए बनाती हैं आलू फलहार वाला। अब उसमें थोड़ा सा मसाला मिला करके फिर आलू वाली सब्जी बन जाती है, और ये वाली सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है यार, उबले आलू वाली। अब यही रोटी सब्जी खाते हैं भाई, फर्स्ट क्लास। अब मम्मी का भी हो गया भाई, दो दो बार काम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार लंच बनाओ, डिनर बनाओ, फिर उसके बाद जो है अपने लिए फलहार भी बनाओ, बिकॉज मम्मी नाइन डेज का व्रत है ना नवरात्रि का, तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब चलो इसको खाते हैं। ये तो एकदम कच्चा आलू जैसा आलू होता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने पे। वाओ 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 वाह, एक नंबर।